नमस्कार। सोयाबीन में जुलाई लास्ट से 15 अगस्त के आसपास का जो समय होता है वो गर्डल बीटल के अटैक के लिए सबसे अनुकूल होता है। इस समय इस कीट का प्रकोप खूब होता है। हम बहुत महंगे महंगे कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। आज ये वीडियो खासकर मेरा छोटे किसानों को डेडिकेटेड है और इस वीडियो की सलाह मान के इसकी थोड़ी सी बात समझ के आप गर्डल बीटल का फ्री इलाज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गर्डल बीटल आप देखेंगे कि 15 जुलाई के बाद में इसका थोड़ा थोड़ा अटैक देखने को मिलता है और जुलाई लास्ट से लेकर 15 अगस्त, वैसे पूरे अगस्त के महीने में इसका अटैक होता है, पर जुलाई लास्ट से 15 अगस्त के बीच में सबसे इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। उस समय अटैक करता है, अटैक करते हैं तब आप जानते होंगे कि पत्ती पे, ट्राइफोलिएट पे या मुख्य तने पे दो रिंग बनाता है और उनके बीच में अंडा रखता है पीले रंग का छोटा सा। ये अंडा करीब 3 से लेकर 7-8 दिन के बीच में अंडे से इससे लार्वा निकलता है और वो लार्वा यदि साइड की पत्ती में है तो वहाँ से खाता खाता मुख्य तने में आता है, मुख्य तने में तो खाता खाता नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ यदि कोई छोटा किसान जिसके 2-5 बीघा खेत है और हमारे पास आते हैं पूरे दिन ऐसे लोग कि साहब हमारे 3 बीघा की सोयाबीन है, गिडल बिटल हो गया, क्या करूँ, तो उन काश्तकारों के लिए ये सलाह है कि भाई आप अपने खेत में घूम के जो पौधे आपको लटके हुए दिखाई दें, जो पत्ती आपको लटकी हुई दिखाई दे, उस लटके हुए हिस्से जो कट लगा रखा उसके ऊपर वाला हिस्सा तोड़ के थैली में इकट्ठा कर लें और खेत से बाहर लाके उसको दबा दें या मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर एक साइड में ले जाके उसको दबा दें। वो आपकी ये प्रक्रिया आप यदि 3-4 दिन से खेत में दोहराएंगे तो आपका लगभग पूरी तरह से आप इसका इलाज कर पाएंगे। आप महंगे कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मान लो, अब इसमें है कि साहब कोई पौधा छूट गया तो, अरे कोई पौधा वैसे भी छूट जाता है, जब हम महंगा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो उसके स्प्रे से भी छूट जाता है। तो इसलिए यदि ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो, 3-4 दिन से अपने खेत में राउंड लगाते हो और जो प्रभावित आपका पौधे का हिस्सा है सिर्फ उसी को तोड़ के आप थैली में भर के उसको दबा दें, आपका बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। सबसे बढ़िया दुआ यही है और छोटे किसान इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये मजदूरों से कराने वाली चीज़ नहीं है, जो छोटा किसान है, 2-5 बीघा किसान है, बहुत आसानी से कर सकता है। अब साहब इल्ली है उसको कैसे मारूंगा, अरे कई बार आज परिस्थिति ये बन रही है कि आदमी इल्ली के लिए कोई दवाई मिलाता है, कहता है गिडल बिटल के लिए कि ये दवाई मिलाता हूँ, एटलीस्ट आप वो गिडल बिटल की एक और जो मिलाने वाली बीमारी है वो तो ख़त्म होगी, इल्ली होगी तो उसके लिए कोई दवा दारू इमामेक्टिन बेंजोल जैसी स्प्रे हो जाएगी तो कंट्रोल हो जाएगी। अब नहीं भाई, हमें इस ये जो फिजिकल मेथड है इसे नहीं करना, तो जो दवा दारू है वो करें। बहुत सिंपल में आप सस्ते में जाना चाहो तो प्रोफेनोफोस पे जा सकते हो और लंबे रिजल्ट पे महंगे में जाना चाहते हो तो आप क्लोरेंट्रानीप्रोल, जो कोराजिन वाला साल्ट आता है 150 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से, उस पर जा सकते हो। आप क्लोरेंट्रानीप्रोल प्लस लेमडासाइलिनहेलिथ्रिन पे जा सकते हो। आप थायोमिथोक्जाम प्लस लेमडासाइलिनहेलिथ्रिन पे जा सकते हो। आप टेट्रानीप्रोल पे जा सकते हो। आप जब ये सोलोमन आता है इसके ऊपर जा सकते हो। ये सभी ग्रिडल विटल के लिए प्रभावी हैं। पर पॉइंट ये है कि यदि आप छोटे किसान हो तो ये यांत्रिक तरीका अपनाएं। आप केमिकल से भी कंट्रोल कर रहे हैं तो भी ये फिजिकल मेथड यदि आप छोटे किसान हैं तो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। पूरे पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रभावित पौधा उसको वो उस हिस्से को अलग कर दें और बाकी जो पौधा है वो आपका फुटान लेगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये जो 3 से लेकर 7 दिन का समय है जिसमें अंडा अंडा ही पड़ा रहता है और उसके बाद में उसमें जो हैचिंग होके और इल्ली निकलती है, यदि आपने 7, 8, 10 दिन पे भी उसको निकाल दिया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो यदि 6-7 दिन बाद में इल्ली निकली तो इल्ली भी इतना ज़्यादा उसका मूवमेंट होता नहीं है, बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे खाती है शुरू के अंदर, क्योंकि ये आपके 30-35 दिन तक उस तने में रह के उसको नुकसान करती है। तो मान लो आज उसने कट लगा दिया, कट लगाने के 1 सप्ताह के अंदर भी आपने उस पौधे के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ के निकाल दिया तो भी आपके कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, पौधा फुटान ले लेगा और अच्छी उसमें फलियाँ मिलेंगी आपको। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।